राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना द्वारा अयोध्या में निर्माण पामनार राम मंदिर ना प्रसंग अनुसंधाने रोड रेली काढवामां आवी हती। कार, बाइक अने पगपाळा निकळेली आ रेली में राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेनाना सैकड़ों कार्यकरो अने लोको उपस्थित रह्या हता अने खूब ज उत्साह अने जोश थी आ रेली ने आगळ धपावी हती। आज हनुमान जयंती है, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी उनकी जयंती है और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि भगवान राम का मंदिर बनाना है, तो आप लोग दोनों पक्ष आपस में मिल के बात करिए, हाँ, और खुद सहयोग करके बनाइए। तो उस उपलक्ष में हमने आज शोभा यात्रा निकाली हुई है और यहाँ से हम आगाज करते हैं कि 21 मई को यहाँ से श्री डॉक्टर कमलेश मिश्रा, श्री शिव मिश्रा और सब हमारे मित्रगण के साथ अयोध्या के लिए 1,00,000 ईंट लेके कूच करेंगे और राम मंदिर निर्माण में अभियान में आयोजन किया जाएगा अयोध्या जाके। और भारतीय जनता पार्टी 1992 के बाद बार बार कहती है कि हमारी सरकार नहीं है और राम मंदिर के मुद्दे पे बार बार राजनीति करके चुनाव लड़ती है, तो अभी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस्तेफाक की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब उसे इस मुद्दे को करना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा नहीं उठाती है और बार बार बेवकूफ़ बनाती है हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का चुनाव यह बता देगा कि यह दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह जैसा दोगला हिंदू की ज़रूरत नहीं है, अवैसी जैसे दोगले मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। सारे हिंदू और सारे मुसलमान राम मंदिर के फेवर में है, कोई किसी का विरोध नहीं करता है। कुछ अवैध तत्व हैं जो भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू और मुसलमान मिलकर राजनीति करते हैं, उन अवैध तत्वों को इसका सबक सिखाना चाहिए और सबको मिलकर भव्य राम मंदिर का आयोजन करना चाहिए। अगर सारी पार्टियाँ राम मंदिर का आयोजन नहीं करती हैं तो अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है उसमें सब आ गए और सब भव्य राम मंदिर निर्माण का आयोजन करेंगे। जय श्री राम। आज की यह रैली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के, रामलला जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में जुड़े हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे आराध्य देवता, भारत का सम्मान है, हमारे स्वाभिमान है और उनके स्वाभिमान को, अपने सम्मान को स्थापित करने का समय आ गया है। 21 मई को पूरे भारत से 5,00,000 की संख्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण अभियान के माध्यम से लाखों कार्यकर्ता मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारत से निकलेंगे और अयोध्या में 25 मई को पहुँच करके रामलला जी के जन्म स्थान की नींव में ईंट रख के मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य को आरंभ करेंगे। और ख़ास करके मैं उन दोगले राजनेताओं को कहना चाहता हूँ, जो रामजादे हैं वो हमारे साथ मंदिर निर्माण के कार्य को आरंभ करेंगे और जो हरामजादे हैं वो हम सबको रोक करके हमारा विरोध करेंगे और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के कार्य को आरंभ करने से रोकेंगे। मैं उन सभी राजनीतिज्ञ दोगलों को चुनौती देना चाहता हूँ, जितनी ताकत हो लगा लो 25 मई 2017 को किसी भी कीमत में अयोध्या रामलला जन्म स्थान पर नींव रख करके हम सब भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ये रैली पांडेसरा से निकल करके हमारे कार्यालय तक आई हुई है, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे, संख्या कोई निश्चित नहीं है। हम भी राम मंदिर से, हमारे चेला तो बहुत मेहनती करता है शिवम, पर हमारे पूरे भारत से राम मंदिर के लिए एक एक घर से एक बंदा, एक हिंदू निकलेगा और राम मंदिर बना के रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये हिंदू हमारे हिंदुवती प्रति के लिए भी हर हिंदू का धर्म है राम मंदिर बनाना, और बना के रहेंगे हम। योगी जी की सेना हो या नरेंद्र मोदी जी की, जो हमें राजनीतिक नहीं करनी है, हमको खाली राम मंदिर ही बनाना है, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। जय श्री राम। आज रोज समग्र देश भर में हनुमान जयंती की भव्य उजवणी करवामां आवी रही छे, त्यारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी समिति द्वारा हनुमान जयंती निमित्ते अने सुप्रीम कोर्टना निर्णय प्रमाणे नव निर्माण पामनार राम मंदिरना उत्सव निमित्ते आ भव्य रेलीनुं आयोजन कर्युं हतुं। अत्रे ઉલ્લેખનીય છે કે 25 મેના રોજ ભારતભરમાંથી આશરે 5,00,000થી પણ વધુ લોકો અયોધ્યા પહોંચશે અને રામ મંદિર નિર્માણમાં ઈંટ મૂકી જીર્ણોદ્ધારનો શુભારંભ કરવામાં આવશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સુરત।